प्यारे छात्रों, सामान्य ज्ञान आपका तभी बेहतर होगा जब आप खुद से तथ्यों को पढ़ोगे, उसे लिखोगे और उसे खुद से सुनोगे। राघव रीजनिंग क्लासेज का छात्र यही तो कर रहा है। कुछ दिन इस श्रृंखला को सुनकर तो देखो, दीवाने हो जाओगे। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 25/4/2024 मैं भोला कुमार गन्नीपुर बेचा सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा टॉपिक प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का नरेंद्र मोदी द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा से शुभारंभ किया। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग नाम से चलाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों को अपना घर दिलाने के उद्देश्य से इस योजना का वर्ष 2024 तक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का निर्माण हो चुका है। नई मंजिल योजना। इस योजना में पढ़ाई छोड़ चुके या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षक संस्थानों से पढ़ाई 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं का कक्षा 8वीं से 10वीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाण पत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य से। यह योजना पूरे भारत में चलाने में 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को जन धन योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 0 बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है। योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों को खाता तक पहुंच बनाना है। निर्धन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई गई इस योजना में खाता धारकों को 30,000 रुपये का न्यूनतम जीवन बीमा और 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। खाताधारी बैंक से 6 महीने के अंतराल पर 5,000 रुपये की राशि ऋण तौर पर ले सकता है। खाताधारी को ATM कार्ड की तरह रुपए कार्ड की सुविधा दी जाती है। अब तक 29 करोड़ से भी अधिक खाते खोले जा चुके हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। मैं राजा राम मधुबनी बिहार से। आज मैं आप सबके बीच आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत इन 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। अर्थव्यवस्था जो बुद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती हो। दूसरा, बुनियाद ढांचा जैसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए। तीसरा, प्रणाली सिस्टम जो 21वीं सदी को प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। चौथा, उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा को स्रोत है। पाँचवा, मांग जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की ताकत का आयोग पूरी क्षमता से की जानी चाहिए। धन्यवाद। श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी कुमारी, पटना से। मेरा आज टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत भारत गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था। वे स्वच्छता को सदैव स्वच्छ से जोड़ते थे। उन्होंने देश में स्वच्छता की आवश्यकता को काफ़ी पहले ही भाप लिया था और इसी वजह से स्वच्छता को जीवन का अंग बनाने पर जोर देते थे। लोगों से साफ सफाई का महत्व समझने की अपील करते थे। उन्हें हाथों से साफ सफाई करने में कोई गुरेज था। वे स्वच्छता को प्राथमिकता आवश्यकता मानते थे। उसे स्वास्थ्य पर भारत का मूल मंत्र कहते थे। लेकिन बापू का यह स्वप्न उनके सामने पूरा ना हो सका। बड़ी आबादी में खुले में शौच के लिए जाती थी। उन्होंने विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं थी। बालिका को आसपास झाड़ियों में जाना पड़ता था। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है स्वस्थ भारत हेतु अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के पीछे भारत सरकार का अंतिम लक्ष्य
स्वस्थ भारत का निर्माण करना और स्वच्छता स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। अस्वस्थता से अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न होती है और देश में एक बड़ी आबादी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाती है, जिसमें बच्चों की एक बड़ी संख्या। अगर वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 50 लाख से अधिक मौतें सिर्फ मानव मल जनित बीमारियों से होती है, जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ी संख्या में हैं। आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 लाख बच्चे डायरिया, जबकि 6 लाख बच्चे अस्वच्छता के कारण उत्पन्न रोगों के शिकार होते हैं। 55 लाख बच्चों की मृत्यु हैजे के कारण हो जाती है, जिसमें आधी संख्या भारतीय बच्चों की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रतिदिन 5 साल से कम उम्र के 1,000 बच्चों की मृत्यु और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और हेपेटाइटिस से हो जाती है। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में आज का टॉपिक है बेटी बचाओ। हमारा समाज शुरू से ही बेटियों के खिलाफ रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तकनीकी विकास के साथ नई समस्या भी जन्म ले लिया है, कन्या भ्रूण हत्या। गर्भ में ही बेटी होने का पता कर उसे गर्भ में ही मार देने की परंपरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक व्यापक अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। योजना में 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ इस योजना की शुरुआत देश के 100 जिलों में की गई थी। इसमें लिंगानुपात की बेहद खराब स्थिति वाले 12 जिलों को चुने गए, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, पानीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, झज्जर और रेवाड़ी। योजना का विस्तार 10 फरवरी 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 61 और जिलों में लागू कर दिया। धन्यवाद। समान ज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का प्रारंभ द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्माण के 25 क्षेत्रों में बदलाव लाना है, ताकि रोजगार में वृद्धि हो और बेरोजगार को दूर किया जा सके। 20,000 करोड़ की इस योजना ने देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से समान ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय हृदय योजना। अब ध्यान से सुनिए, HRIDAY हृदय, इसका पूरा नाम हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण संवर्धन और इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों हेतु चलाई जा रही योजना है। यह 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना विरासत शहरों के समेकित समावेशी और सतत विकास हेतु तैयार की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में 12 शहर को चुना गया है, जो इस प्रकार है: मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, गया, द्वारिका, पूरी, कांचीपुरम, वारंगल, अमरावती, बदामी और वेलानकिनी। मेरे तरफ से एक सवाल, हृदय योजना के तहत किस शहर को चुना गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुंबई। जवाब कमेंट बॉक्स में देना। धन्यवाद। समान ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज मैं नमामि गंगे कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। नमामि गंगे मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें 20,000 करोड़ की लागत लगे। जन सामान्य को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया कराने हेतु सरकारी काम काज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 2015 को
डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किया गया। इसका लागत 1,00,000 करोड़ है। भारत को डिजिटल बनाने हेतु 9 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत के विकास में नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से समग्र शिक्षा अभियान के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ। समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 24 मई 2018 ईस्वी को किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूली शिक्षाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत शिक्षा के तकनीकी प्रयोग बढ़ा करके विद्यार्थी और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। इस योजना में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 1951 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 8.6% था, जो 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 53.67% हो गया और 2011 के जनगणना के अनुसार 65.46% हो गया। धन्यवाद। मैं कुणाल कुमार महमदापुषा समस्तीपुर से रात्रि के 9 बजे में सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आदरणीय गुरुदेव सहित सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए अभियान का आरंभ के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन इंडिया गेट नई दिल्ली से स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की। शुरुआत से पहले उन्होंने दिल्ली की एक वाल्मीकि बस्ती में जाकर स्वयं झाड़ू लगाई और बायो टॉयलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है, भारत को गंदगी मुक्त बनाने का प्रण लेना है, सफाई देश के सभी 125 करोड़ लोगों का काम है, हमें इस अभियान को जन आंदोलन बनाना है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर जिला गया बिहार से हूँ। इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बेटी पढ़ाओ अभियान से लाभ के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर बेटी पढ़ी है तो उसका लाभ परिवार, समाज, देश सभी को मिलता है। यही वजह है कि योजना में बेटी को पढ़ाई का भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वैसे सरकार प्रारंभ से ही महिला शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का है। उनकी शिक्षा से बच्चों की शिक्षा को तो बढ़ावा मिलती ही है, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनके सर्वांगीण विकास में भी मदद मिलती है। कई विद्वानों का विचार है कि महिला शिक्षा एक अच्छा निवेश है। महिलाओं की साक्षरता जितनी बढ़ेगी, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर उतनी ही सजिंदगी से अमल होगी। धन्यवाद। मैं रंगीला कुमारी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अभियान के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन इंडिया गेट नई दिल्ली से स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की। शुरुआत से पहले उन्होंने दिल्ली की एक वाल्मीकि बस्ती में जाकर स्वयं झाड़ू लगाई और बायो टॉयलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। थैंक यू।
नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है गांधी जी का स्वप्न। गांधी जी का स्वप्न। स्वच्छ भारत गांधी जी का सबसे बड़ा स्वप्न था। वे स्वच्छता को सदैव स्वास्थ्य से जोड़ते थे। उन्होंने देश में स्वच्छता की आवश्यकता को काफ़ी पहले ही भांप लिया था और इसी वजह से वह स्वच्छता को जीवन का अंग बनाने का जोर देते थे। लोगों से साफ सफाई का महत्व समझने की अपील करते थे महात्मा गांधी। उन्हें हाथों से साफ सफाई करने में कोई गुरेज नहीं था। वे स्वच्छता को प्राथमिक आवश्यकता मानते थे। उसे स्वच्छ भारत का मूल मंत्र कहते थे। लेकिन बापू का यह स्वप्न उनके सामने पूरा ना हो सका। लव यू गुरुदेव। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह योजना एक दृढ़ संकल्प के तरह चलाया गया। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। पहला, अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। दूसरा, बुनियादी ढांचा, जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए। तीसरा है सिस्टम, जो 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित हो। चौथा है उत्साहित आबादी को आत्मनिर्भर बनना, जो भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। तथा पांचवा, मांग, जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं जीतू कुमारी समान ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में शामिल है। यह सर्वेक्षण स्वस्थ भारत अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष देश के सभी नगरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है। इसमें गांवों की प्रगति संबंधी आंकड़े भी शामिल किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस सर्वेक्षण में स्वच्छता के मापदंडों में अनुसार रैंकिंग की जाती है। जो नगर सबसे अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार और सम्मान भी दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत किए जाने वाले कार्य प्रमुख है नदियों और जल को स्वच्छ रखना, शौचालयों का निर्माण कराना, प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध करना, शहरों एवं गांवों में सफाई करना, नगर महानगरों में कूड़ेदान की व्यवस्था करना, नगरों को कचरा मुक्त करना तथा कचरों को पूर्ण चक्रण करना इत्यादि। धन्यवाद। जय हिंद।